इस लावारिस की जो आइडेंटिफिकेशन करानी है उसमें हमारा सहयोग करा, उसके लिए मैं तहदील साहब का शुक्रगुजार हूँ। और मैं इसके बारे में अभी सुधीर सैंडिल जी ने ब्रीफली बता दिया। सही बात यह है कि दो दिन तक ये लगातार वहाँ पर रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पड़े रहे, लोग बाग आते रहे जाते रहे, लेकिन चलिए किसी ने इस तरह ध्यान नहीं दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि जो वहाँ पर जीआरपी पुलिस है उससे मैं बेहद नाराज हूँ, और इसकी मैं शिकायत जीआरपी के जो अधिकारी हैं उनसे भी करूँगा, और बहुत जहाँ तक होगी मैं शिकायत करूँगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी लापरवाही अगुवाई कर दी है। और जब हमने इसको देखा तो वो टॉर्च मार कर इसको ये देख रहे थे कि ये जिंदा है या मर गया, और हमने जब इसकी हालत देखी तो वास्तव में ये इसको फर्स्ट एड की जरूरत थी, लेकिन फर्स्ट एड भी इसको काफ़ी घंटे बाद में मिली है, क्योंकि हमने 108 को फ़ोन किया, 108 भी नहीं पहुँची। 108 वाले लोग हमसे क्वेश्चन तो करते रहे लेकिन 108 नहीं पहुँची। फिर हमने प्राइवेट जो एम्बुलेंस है हसीन भाई उनको फ़ोन किया, और उन्होंने अपनी निःशुल्क एम्बुलेंस यहाँ पर भेजी। एक एनजीओ है उनको हमने फ़ोन किया, उन्होंने इनके लिए वस्त्र भेजे। तो और आप यहाँ पर इस जो लावारिस है उसकी शिनाख्त के लिए आए, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ तमाम दोस्तों का, सुधीर संडे जी। अगर ये कोई प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे उन सभी को जो इनके अपने होंगे? जी जो इनके अपने होंगे वो अगर ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपने अपने होते हैं, और अपनों को इतनी यानी कि 3-4 दिन से या कितने दिनों से लापता है, अपनों को इनकी तलाश जारी करनी चाहिए थी। और अब आपके चैनल के माध्यम से ये घर घर तक, हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुंच रहा है, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा इनके परिवार वालों से, वारिसों से, कि आप जल्दी आ जाइए। अगर कोई परेशानी भी है तो वो बताइए, मैं एडवोकेट भी हूँ और बाकी जो सामाजिक कार्य है उसमें भी हमारी पूरी टीम है। कोई भी अगर समस्या है इसको लेकर तो वो बताइए, लेकिन प्लीज़ हमसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, पुनीत रोयला जी से कॉन्टैक्ट कीजिए, जिससे कि इसकी शिनाख्त हो जाए, ये पता चल जाए कहाँ का है। और बाकी इनका जो भी सहयोग होगा वो हमारा पूरा ग्रुप करेगा। हम यही चाहते हैं कि भगवान इसके परिवार को इससे मिलवा दे, ये अपने घर चला जाए। और रही बात घर जाने के बाद भी अगर इलाज की जरूरत पड़ी तो हम बजे का वाक्य है भाई नईम सिद्दीकी जी एडवोकेट और मैं रेलवे स्टेशन पर गए थे, हमने देखा वहाँ पर एक लावारिस व्यक्ति पेड़ के नीचे पड़ा है, पुलिस भी वहाँ टहल रही है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा पुनीत भाई कि पुलिस वैसे तो बहुत काम करती है, लेकिन जैसा हमें पता चला कि 2 दिन से ये व्यक्ति वहाँ पर पड़ा था, पुलिस अगर किसी संबंधित अधिकारी को हॉस्पिटल में या कुछ भी करके इसको भिजवा देती तो शायद ये ठीक हो गया होता। 2 दिन एक व्यक्ति एक ही जगह गर्मी में भूखा प्यासा पड़ा रहा, उसकी क्या हालत हुई होगी ये हम सोच सकते हैं। मेरा निवेदन यही है कि पुलिस को ऐसे संवेदनशील मामलों में भी हस्तक्षेप करना चाहिए, और संबंधित अधिकारियों को या जो समाज सेवी हैं उन्हें अवगत करा देना चाहिए। अगर ये सही समय पर आ जाता तो इसका उपचार होकर ये शायद अपने घर चला गया होता। तो क्या बोल पा रहे हैं? नहीं, ये तब भी नहीं बोल पा रहे थे, और ये लगभग रात 10:30 बजे जब हम ले गए नहीं भाई, ये तब से अब तक बोल नहीं पाए हैं। हाँ, थोड़ा सुधार जरूर डॉक्टर बता रहे हैं, और बस यही है कि ये जल्दी ठीक हो जाएं, अपने घर चले जाएं, अपने परिवार में चले जाएं। इनका चेहरा अगर देख के कोई पहचानता तो क्या आपका संदेश रहेगा? चेहरा तो देखिए, मैं तो पहले धन्यवाद आपको कर रहा हूँ नहीं भाई का, और जो दूसरे समाज से भी उनका भी बहुत प्रचार इसका हो रहा है, चेहरा आप दिखा रहे हैं, पूरा बता रहे हैं। अब जो भी लोग हैं संबंधित तो वो देखें और आगे फॉरवर्ड करें तो ये अपने परिवार तक चला जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि नईम भाई, मुझे कल बहुत अच्छा लगा इन्होंने जो ये हौसला दिखाया एक लावारिस व्यक्ति के लिए, आज कोई अपने परिवार के सदस्य के लिए भी इतना नहीं करता। नईम भाई ने इसको देखा और तुरंत सारी कार्रवाई की। मैं इनके पैगाम इंसानियत को इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और